चुकी है यहाँ पे ताई जी। और ताई जी यहाँ कूट ली है लुगले। ताई जी वैसे आप इस घर की कहानी सुनाइए, क्या कथा इस घर की? पहले हमारा ये बहुत अच्छा घर था, बहुत धूप खेलती थी इस घर में। अच्छा, हमारे बच्चे भी यही हो रखे हैं। अच्छा, इतना अच्छा घर लगता था, किसी ने हमको ना इधर दिया ना इधर दिया, हम बीच में फंस गए मछली के जैसे। अच्छा, क्या करे हम। हाँ, जो घर हमने नया बना रखा वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहाँ धूप भी नहीं निकलती है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, यहाँ बाग है, मसालियाँ है, दिन के लिए चावल चाहिए, रात के लिए वो चाहिए, काली दाल चाहिए, बस क्या करें हम इस घर का। हाँ, इसको छोड़ देते बल, हो पुराने घर में चलते बल। तो पुराने घर में दो समस्या है हमारी, एक तो वहाँ लाइटिंग नहीं है बल, और दूसरा बल वहाँ वो नहीं है बल, लाइट नहीं है बल। अच्छा, लाइट लग जाएगी। हाँ, लाइट निकालूंगी अंदर से। हाँ, तार लाऊंगी। हाँ, और वहाँ से लाइट निकालूंगी, दो साल मैंने यहीं पे रह जाऊंगी। हाँ, तो ये कह रहे हैं तो शौचालय नहीं है बल। अच्छा, तो मैंने कहा शौचालय नहीं है तो किसी के खेत के दुआ में चले जाना। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को अपनी टेंशन तो नहीं है, पर इस आयरन की टेंशन है, ये जा ही नहीं रहा किसी के, ये बाहर में नहीं टॉयलेट नहीं करता, बाथरूम नहीं करता, कुछ नहीं करता ये बाहर में। अच्छा, मेरे को तो अपनी टेंशन है, पर मुझको है इसकी टेंशन। वैसे जब ये नारियन के जाते या कहीं घूमने जाते तब क्या वो रहता है इसका? जब ये घूमने जाता। हाँ, तो जब हम इसको बद्रीनाथ ले गए ना अपने साथ घूमने के लिए। अच्छा, तो इसने लाइटिंग भी की चार जगह भी, तो इसने लाइटिंग ही की। हाँ, और तब कह रहा था वो ऐसा लटका रखा था इसने। हाँ, तो मैंने कहा ये अभी माता हम तो यात्रा पे जा रहे, तो ये तो अभी माता इसने कुछ नहीं खाया। तब गए ये बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में हम गए हिम पुल कहते हैं वहाँ के से, तो हम गए वहाँ पर, तो इसने कहा मैं नहीं आता हूँ, मैं तो मर जाता हूँ यहीं पर बोलो, मैं तो नहीं आ रहा असर नहीं आया ये। तो हम वहाँ गए तो वहाँ से निकला ये बद्रीनाथ की तरह, तो बद्रीनाथ में इसने कहा कि मैं अब दूध पीऊंगा बल, तो हम एक दूध लाए इसको एक गिलास, तो इसने कहा इस दूध पे भी बदबू आ रही बस न। तब हम बद्रीनाथ से मैं इसको वहाँ ले गई शौचालय में ले गए अंदर, तो इसने कहा वहाँ की मुझे यहाँ पर उल्टी हो रही बल, मैं यहाँ उल्टी भी नहीं करो बाहर ले जाओ बल मुझको, तो बाहर कहाँ ले जाती। तो जब तक 40 साल का नहीं हुआ 20 साल का तब तक मैं इसको कहीं नहीं ले जाऊंगी। अच्छा, तब हो गया। ओके, तो ए रुक रहे, तो ये अपने आर्यन भाई आप देख सकते हो इधर बहुत गुस्से में है आज, क्योंकि इसकी मम्मी ने इसके पोल खोल दी है। तो ये अपने आर्यन भाई देवास की मोटी रहती है, उनकी एक कहानी सुनाएगी अभी ये ताई जी। तो रुकिए ताई जी, मैं थोड़ा यहाँ पे बैठ जाता हूँ, अब सुनाइए आप। हाँ, अब सुनाइए जी। पोखरी में मार रही है जो पोखरी में हमारी मकान मालिक जी है, मल उनके बल कितने मार रहे हैं बल, अब तुम बल उनके मारे नहीं निकाले बल, यहाँ घर से चोरी करे बल मारे नहीं निकाले बल उनके बल, मैं घर में जाऊंगी बल, मैं पोखरी से लेके आऊंगी बल, मैं तेरे पापा को फोन करना बल, आके एक लठी निकाल के आई उसके पास देवांशु के पास, देवांशु में दो लठी ठोके, देवांशु ने कहा की अब ताई आ गई मेरी बेइज्जती हो गई अब, और देवांशु सीधा अंदर गया और रोने बैठ गया वहाँ। अच्छा, देवांशु ने सोचा की अब तो ताई आ गई मेरी बेइज्जती करते आप लोगों के सामने, तो मैंने कहा ठीक है देवांशु रो मत, चले जा अंदर, क्यों रो रहा तू अभी इतना जी। तो उसने उसकी दादी ने कहा कि अब इसकी बेइज्जती हो गई अब क्या करूं मैं, आप बोले। हाँ, तो मैंने सोचा कि देवांशु इसको बेइज्जती मत, हम तेरी मम्मी ने तेरी उसके लाई बनाने के लिए मारा कि तेरी को क्या। अच्छा, तब देवांशु चले गए अंदर, रो रहा था बहुत ज्यादा रो रहा था देवांशु। अच्छा, तो देवांशु ने कहा मेरी बेइज्जती हो गई, मैं करूँ पर करूँ क्या। अच्छा, तभी नहीं जा रहा था देवांशु यहाँ पर से, तो बोला था पोखरी में रहता ये कुछ नहीं खाता, मेरा देवांशु तो कुछ नहीं खाता, हमारे घर में आ रहा तो पूरा फ्रिज ही खाली कर गया उसने, कह रहा कि इतने मिठाई कहाँ से आई हो हमारे घर में, मैं खाऊंगा इसको। अच्छा, मैंने कहा पूरी खा ले तू। अच्छा, आपके घर में आई मिठाई खाने? उसने मिठाई खाई, तब कह रहे थे कि एक कह रहा था कि मेरा लड़का अच्छा है, दूसरे कह रहा अपनों की मम्मी कह रही कि मेरा लड़का अच्छा है, देवांशु की मम्मी कह रही मेरा लड़का अच्छा है, पर अच्छे दोनों के लड़के नहीं है। अच्छा, हटरे नंबर पे मेरा लड़का भी नहीं है अच्छा। हाँ, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरे समझ से तो दोनों का नहीं है, तीसरे में मेरा भी नहीं है क्या, ये दोनों चोरी करे एक एक ही करे, ये कह रहा कि जब इसने मारे खाए तो ये कह रहा कि मैंने नहीं खाए, देवांशु की मम्मी कह रही थी कि मैंने उसकी हड्डी तोड़ने वाल उसके बल,
इसकी उसकी मम्मी कह रही थी, तो ये कह रहा क्या हुआ, कोई बात नहीं, माटे ही तो खाए, बंदर भी तो खाए रहा अवल, इसने तो समझदारी की बात अच्छी बोली क्या। अच्छा, वो बंदा मैं हूँ। उसने उसने इसने समझदारी की बात अच्छी बोली, और उसकी मम्मी ने घर में आकर उसको मारा, तो बच्चे करते हैं नुकसान, चाहे मेरा बच्चा हो, कभी हम भी थे बच्चे तो हमने भी क्या होगा नुकसान, नहीं कभी ये है बच्चे, इन्होंने भी क्या, एक साल हम उस टाइम हम पास में पढ़ते थे, अच्छा। तो हम गए किसी के ककड़ी के पेड़ में, तो चार ककड़ी निकाली हमने, ककड़ी का पेड़ उठा आपके गांव में, वो क्या अच्छा। पेड़ में, वो पेड़ में जा रखी थी, वो ऐसा अच्छा, लोग ले, लोग ले जा रखी थी, उसमें गए, वो हम गए उसमें, तो टूट गया, हमने चार निकाली उसमें से, इतनी मोटी मोटी, और कहां डाली, उस टाइम पॉलिथीन भी नहीं थे, कुछ व्यवस्था नहीं थी कि वैसी चीज हमारे जमाने में, हमने डाली सुलार के ऊपर, यहाँ से ऊपर से अच्छा। पूरी सुलारी फट गई अच्छा। हम इतने चोर थे, एक बार एक बार क्या हुआ कि जब हम छोटे थे उस टाइम इतने खाने पीने के लिए नहीं था कि कभी जमाने में आते थे बिस्कुट नमकीन सब भी मिलते थे क्या, तो एक बार हमने क्या किया, किसी के खेत में से पिनऊ निकाले, पिनऊ और किसी के गौशाले में गए, अब वहाँ हमने आज लाई परिसर में सीटी मारी और वो कर दी, पिनऊ जा रहे थे तब तक मेरी मम्मी आ गई जंगल में, अब जो ये परिसर की परिसर ने सीटी मारी, अब मैंने जम रखा उसमें अपने पैर यहाँ पूरे, और यहाँ पूरा जल गया यहाँ क्या, और सीटी तो दे रहा था अच्छा। आपका घर था? हाँ, ये हमारा घर है, तो सुनाओ सुनाओ पुराना हमारा है। तब हमने क्या किया, हम भी पहले चोर थे, पर अब के बच्चे गंदे गंदे मतलब गंदे खेल कर रहे, क्या ऐसे करे, एक एक को मारा, किसी के यहाँ से आटा चोर के ले जाते थे, किसी अच्छा। के यहाँ से तेल चोर के ले जाते थे, हम चोर के बनाते थे, चोर उठते और क्या बनाते, हम चावल का हलवा बनाते थे हम, और अब के बच्चे क्या करे, कुल पैसे चाहिए, फोन चाहिए, ऐसे करता तो हम इतने मोटे हो रखे कि खा पी के, और आप क्या कह रहे हैं, हम तो मैगी दो, चौमिन दो, वो दो, उससे नहीं होता है खा के अच्छा, क्या खाना चाहिए किसी के घर चोरते थे, दही चोरते थे अच्छा। तब खाते थे हम ऐसी चीजें ना हाँ। ये तुम ये मोड़ का तो लेटी रे निर्भागो, और ये देवास की बोटी और ये सानू की पूरी हो गया पिक्चर खत्म, चुप रह, वेगी तो इस जमाने में ऐसा होता था, इस जमाने के पास होकर अच्छा खेलना है, कोई कह रहा मुझे बाइक दो, कोई कह रहा मुझे ऐसा दो, वो ऐसा दो, कोई ताश खेला, कोई बाइक में जुआ खेलना पसंद है। मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ, हमारे गांव वाले भी बढ़िया है अच्छा। और चोरी के लिए अपने घर का आटा में सबने हर शनिवार को हमको कमेंट करना और हर